नमस्कार, मैं गीता गाड़ी, स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सोमवार से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। भीड़ की एक बार फिर बाढ़ आ गई। कोरोना वैक्सीन की कमी से अब सिर्फ दूसरा डोज मिलेगा। कोरोना संक्रमण के और 4 लाख नए मामले। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड केंद्र के लिए जिलाधिकारी की अनुमति। इतवार से गोवा में 15 दिन का सख्त कर्फ्यू जारी। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। देखते हैं विस्तृत समाचार। राज्य सरकार ने शुक्रवार को पूरा लॉकडाउन के निर्णय की घोषणा की है। इसका क्रियान्वयन सोमवार से शुरू होगा। साथ ही यह बड़ा हुआ और सख्त लॉकडाउन 14 दिनों तक चलेगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल नागरिकों द्वारा अनुभव किए गए सख्त नियमों को अब फिर से लागू करना होगा। पिछले सप्ताह से राज्य को किसी भी समय लॉकडाउन की घोषणा होने की आशंका थी। राज्य में 24 अप्रैल से जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। उस समय निर्धारित नियमों के अनुसार नागरिक अपनी दैनिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जिसके वजह से कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इसके चलते राज्य सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है कि अब सोमवार से पूरा लॉकडाउन जारी होगा। भीड़ की एक बार फिर बाढ़ आ गई। राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य में 15 दिन का लॉकडाउन जारी किया है। लॉकडाउन में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए मार्केट में नागरिकों की बड़ी भीड़ हो गई। वास्तविक लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं लेन देन को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के बीच अनुमति दी गई है। इस शनिवार की सुबह बेलगाम के मध्य भाग में उपनगरीय सड़कों पर खरीदारी के लिए भारी भीड़ देखी गई। नरगुनकर भावे चौक, मार्केट आदि में सड़क के विक्रेताओं के साथ साथ दुकानों में नागरिकों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना वैक्सीन की कमी से अब सिर्फ दूसरा डोज मिलेगा। कोरोना प्रतिबंध के लिए दिया जाने वाला पहला डोज स्वास्थ्य विभाग ने रोक दिया है। जिन्होंने पहला डोज लिया हुआ है, उनको अब प्राधान्य क्रम से दूसरी डोज देने का फैसला किया है। टीकाकरण अधिकारी ईश्वर गडाद ने कहा है कि यह डोज 12 सप्ताह के भीतर दिया जाना चाहिए। कोरोना टीकाकरण का पहला चरण बेलगाम जिले में सामने आया है। अब वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल ने कहा है कि बेलगाम जिले में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। पहला टीका प्राप्त करने वाले जिले के नागरिकों को दूसरा टीका देने का अभियान अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण के और 4 लाख नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 4,01,078 नए मामले सामने आए हैं और 4,187 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना बीमारी से उबरने वालों की तादाद भी 3 लाख से ज्यादा रही। इस अवधि में 3,18,609 मरीज कोरोना बीमारी को मात देने में सफल रहे। नए आंकड़े घोषित किए जाने के बाद देश में अब तक सामने आए कोरोना के मामले बढ़कर 2,18,92,686 हो गए हैं। इस बीमारी ने अब तक 2,38,270 लोगों की जान ली है और
1,79,30,960 लोग इस बीमारी को हराने में सफल रहे हैं। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 37,23,446 है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड केंद्र के लिए जिलाधिकारी की अनुमति। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पदाधिकारी कोविड आइसोलेशन केंद्र की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर हरीश कुमार जी से मिले। उन्होंने इस केंद्र को अनुमति दी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी KH मुनियाल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इस अवसर पर युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, उपाध्यक्ष सचिन केलवेकर, मदन बामने, नरेश पाटिल, महादेव पाटिल, सूरज कनबरकर और अन्य सदस्य उपस्थित थे। इतवार से गोवा में 15 दिन का सख्त कर्फ्यू जारी। गोवा राज्य में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। पूरा लॉकडाउन संभव नहीं है, इसलिए 9 से 23 मई तक 15 दिन का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इस अवधि के दौरान सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने कहा। कर्फ्यू के दौरान जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। होटलों की पार्सल सेवा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शुरू रहने वाली है। दवा की दुकान, पेट्रोल पंप, औद्योगिक फैक्ट्रियां जारी रखेंगे। इसके अलावा अन्य बाजार और सभी प्रकार की दुकानें 23 मई तक बंद रहने वाली है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। लहू नसों में फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। खानापुर शहर में कोरोना के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए शहर में किसी को भी मास्क पहने बिना बाहर जाना नहीं चाहिए। खानापुर के लोगों की इस तरह की अपील के बावजूद बिना मास्क के घूमने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए नगर पंचायत द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है और बिना मास्क के शहर में घूमने वालों को दंडित किया गया है। नगर पंचायत ने बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की और 90,000 रुपए की वसूली की है। इसके अलावा नागरिकों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। यह जानकारी नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी विवेक बन्ने द्वारा नगर पंचायत के प्रांगण में आयोजित बैठक में दी गयी। जिला रेड क्रॉस संस्था का बेहतरीन कार्य। जिला रेड क्रॉस के कोरोना योद्धाओं ने लगातार दूसरे वर्ष कोरोना संकट के समय मदद करना जारी रखा है। हमेशा आपातकालीन स्थिति में सबसे आगे रहने वाले रेड क्रॉस द्वारा पूरे वर्ष रक्तदान मुहिम की है और विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर वितरण भी किया गया है। ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है। संगठन के जिले भर में 4,000 सदस्य काम कर रहे हैं और कोरोना से लड़ने के लिए हर कोई सामाजिक रूप से योगदान दे रहा है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिन है और रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी ड्यूनॉट का जन्मदिन भी मनाया जाता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का बेलगाम शाखा का कार्य उल्लेखनीय है। प्रॉपर्टी टैक्स में दी जाएगी सहूलत। बेलगाम शहर में संपत्ति कर का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 थी। इसके बाद संपत्ति कर का भुगतान 1 मई से 15% के दंड के साथ किया जाना था। हेल्प फॉर नीडी फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र अंगोलकर जी ने 30 अप्रैल 2021 को जिलाधिकारी के माध्यम से मांग की थी कि वर्तमान लॉकडाउन अवधि के अंत के बाद संपत्ति कर का भुगतान करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी जाए। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संपत्ति कर दाखिल करने की समय सीमा 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है।
हेस्कॉम की ओर से मृतक को आर्थिक मदद। देवलती तालुका खानापुर का किसान अर्जुन येलप्पा इटगी 22 अक्टूबर की शाम साइकिल पर खेत से घर आ रहा था। गांव के गेट पर लगी टीसी बिजली के पोल से टकरा रही थी। उसी दौरान वह अपनी साइकिल पर एक पोल से टकरा गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। उनकी विरासत को हेस्कॉम खाते द्वारा आर्थिक रूप से मदद होनी चाहिए, इसके लिए तालुका की विधायक डॉक्टर अंजलि निम्बालकर ने एक प्रयास किया और उनकी विरासत को वित्तीय मदद दी। इस समय हेस्कॉम खाते से 5 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया है। शोभा भरत मिराशी, इनका निधन। शिवठान तालुका खानापुर की 47 वर्षीय शोभा भरत मिराशी का अल्पशा बीमारी के कारण शुक्रवार दिनांक 7 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात पति, बेटा, 3 बेटियां और पोते पोतियां, ऐसा परिवार है। विठल मोनापा पाखरे, इनका निधन। इदलहोंड तालुका खानापुर के 79 वर्षीय विठल मोनापा पाखरे, इनका शनिवार को निधन हो गया। उनके पश्चात बेटा, बहू, 4 बेटियां, 1 दामाद और पोते पोतियां, ऐसा परिवार है। गणपत चिमाजी पाटिल, इनका निधन। बाचोली तालुका खानापुर गांव के एक प्रमुख नागरिक, LIC एजेंट, हलकरनी के गजानन सोसाइटी के उपाध्यक्ष और रामगुरवाड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, 57 वर्षीय गणपति चिमाजी पाटिल, इनका शुक्रवार 7 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 2 बेटे 2 बेटियां और 1 पोता, ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।